नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी में मौजूद है और नीमच कृषि उपज मंडी की जो लहसुन मंडी है उसमें लहसुन की नीलामी जारी है। बताना चाहूँगा कि आज सोमवार है और कल अवकाश के बाद आज मंडी खुली है, तो मंडी में जिले के बाहर से भी अच्छी आवक हुई है। हालांकि आवक लगभग 14 से 15 हज़ार बोरी की बताई जा रही है। वहीं भाव की बात करें तो भाव वही सामान्य चल रहा है। और एक बात और सामने आई कि 200 और 300 रुपए के करीब दोनों ही मत क्वालिटी देसी में और लहसुन में नरमी देखी जा रही है। और अभी कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनकी उपज वे पहले तो कहाँ से आए हैं, किस तरह की उपज लाए हैं, किस भाव में गई है। भैया कहाँ से आए आप? देवपालपुर से। क्या नाम है आपका? जावेद पटेल। जावेद भाई, ये बताइए कि कितनी उपज लेके आए थे आज लहसुन? हम लाए थे एक गाड़ी में 100 कट्टे। क्या 100 कट्टे लाए थे, क्या भाव गई है, कौन कौन सी वेरायटी थी वो? ये हमारी देसी वेरायटी है और अच्छा। डबल डॉलर है। तो आपने देवपालपुर मतलब इंदौर जिले में आता है, तो इंदौर से यहाँ नीमच बेचने आए, क्या रीज़न? इंदौर मंडी में थोड़ी समस्या आ रही है, अभी सरकारी मंडी हो गई है। हाँ, तो वहाँ भाव में मज़ा नहीं आ रहा है। जो कुल मिला के वहाँ दाम अच्छे नहीं मिल रहे, इसलिए इंदौर से आप यहाँ लेके आए हैं। एक और भैया है, कहाँ से आए भैया आप? मैं खरेली गांव से, देवपालपुर से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? राजा पटेल। राजा भाई, एक बात बताओ कि आप क्या लेके आए? लहसुन लेके आया हूँ। लहसुन कौन सी बिक गई, नीलाम हो गई? हाँ, बिक। आपकी भी नीलाम हो गई है? कहाँ है आपका ढेर, पहले इन भैया की देख ले। तो जावेद भाई, आपकी ये दिखाओ मेरे को, कैसी लहसुन हाथ में लेके, थोड़ी सी कैमरे में आ जाए आपने। तो क्या क्या भाव गई है ये? 6,930। 6,900। और भी ढेर की एक ही है? और भी है ना। और बताओ वेरायटी कौन सी है? ये भी देसी वेरायटी, 6,500। अच्छा, ये 6,500 गई है। कुल मिला के देसी लहसुन है। क्या क्या लग रहा आपको कि जो भाव मिले वो पर्याप्त है कि कम है? हाँ, पर्याप्त है। पर्याप्त है। तो क्या इतने भाव भी इंदौर में नहीं मिल रहे थे क्या? हाँ, अभी थोड़ा कभी डाउन हो जाता है। हाँ, और यहाँ आते हैं, यहाँ अच्छा भाव मिलता है। कुल मिला के नीमच मंडी में जो भाव है किसानों को अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या, क्या कुछ कह रहे थे? आवक ज़्यादा है इंदौर मंडी में। अच्छा, इनका कहना है कि इंदौर मंडी में आवक भी ज़्यादा है और कुछ दाम का भी प्रभाव है, इसलिए करीब 250-300 किलोमीटर दूर से यहाँ अपनी उपज लेके आए। राजा भाई बताओ, आपका क्वालिटी कौन सा? ये रहा मेरा। क्या भाव गया है? ये गया है मेरा डॉलर वो वैरायटी है। हाँ, 8,120 रुपये गया है। 8,120 रुपये गया है ना। और है क्या कोई? वो छर्री थी। हाँ, वो है। छर्री क्या भाव की देखते हैं अपन, छर्री किस तरह की क्वालिटी की है। ये वाला माल गया है। ये वाला माल गया है। बताना किस तरह का माल था ये, मतलब आप 3-4 तरह की वैरायटी लाए थे। ये 4,600 रुपये गया है। ये वाला दांतला माल था। हाँ ठीक है, तो वो उधर पीछे ये वाला माल 9,500 रुपये देसी माल है। हाँ, वैरायटी। और ये छर्री बिका है 6,500 रुपये। वाह यार, ये देखो इनकी छर्री काफ़ी अच्छी है। थोड़ा दातला हो गया, पड़ता कमज़ोर था इस साल, मौसम नहीं मिला सही उसके कारण। तो जो दाम मिले आप उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छे दाम मिल रहे हैं फिलहाल तो। अच्छे मिल रहे हैं। हाँ, अच्छे मिल रहे हैं। आज बताया जा रहा है, आज जो बताया जा रहा है कि कुछ नमी हाँ, वो थोड़ा सा वो मंडी में आवक संडे की वजह से थोड़ी सी आवक बढ़ने के कारण थोड़ी सी मंदी है, बाकी बाजार सामान्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, धन्यवाद आपका। कुल मिला के जो भाव है, जो कुल मिला के भाव जो है, हम्माल भाई भी कह रहे यार हमारा भी ले लो। क्या 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 कहना हम्माल भाई, बता क्या कैसा चल रहा है सीजन आपका? हमारा है 10 रुपये कट्टा हम्माली। अरे बोले 10 रुपये कट्टा ले रहे हैं। इनका भी कहना है कि हमें भी ले लिया करो कभी कभार, तो अच्छी बात है, ये भी सक्रिय रहते हैं मंडी में। तो कुल मिला के आज जो दाम रहे हैं काफ़ी बढ़िया तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 200-300 रुपए की नरमी देखी जा रही है। दूसरी ओर एक चीज़ यह है कि जो पिछले सप्ताह भाव थे वही औसत भाव है। देसी की बात करें तो 10,000 के करीब जो है प्रति क्विंटल का भाव देखा जा रहा है। वहीं नीचे की बात करें तो 4,000 तक, 4,500 ठीक ठाक माल है। वहीं ऊटी की बात करें तो ऊटी भी वही 13-14 के करीब है, और कुछ अच्छा ढेर है तो वो ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे भी वही 6 के करीब देखा जा रहा है।
कुल मिला के जो दाम है पिछले सप्ताह की तरह ही इसी सप्ताह भी है। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।